इस वीडियो में हम राजस्थान पटवार के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित इंग्लिश के 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन 11 क्वेश्चंस में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर कर लिए। उन मॉडल पेपर्स में आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस पता लगेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन आपको आपकी तैयारी पोस्टपोन नहीं करनी, तैयारी कंटिन्यू करते जाना है और अपनी तैयारी के साथ साथ ये मॉडल पेपर्स भी एक बार देखने हैं, जिससे आपको इंग्लिश का पेपर कैसे सोल्व करना है उसका आइडिया लग जाएगा और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल फॉर आवर कंट्री। तो इस क्वेश्चन के साथ हम इंग्लिश ग्रामर के हम दो रूल सीखेंगे। देखते हैं फर्स्ट रूल। अगर सेंटेंस के अंदर इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए और उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये रूल हो गया। अभी समझेंगे कि इस तरीके से हम क्यों करते हैं, वो आगे समझेंगे। तो यहाँ पे शुड हैव डन नहीं आएगा, क्या आएगा? डिड आएगा। इस रूल का हम रीज़न भी देखेंगे कि इस तरीके से क्यों होता है। तो पहले देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा। इट इज़ हाई टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल फॉर आवर कंट्री। इस समय तक हमको हमारे देश के लिए कुछ यूजफुल कर लेना चाहिए था। तो ध्यान क्या रखना है, अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करना पड़े तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसी के साथ अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, उसके बाद अगर टू दिया हुआ हो तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या आएगा, वी डिड। तो हमारा रूल क्या हो गया, अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या आया, वेंट आया। और दूसरा रूल क्या हो गया, अगर इट इज़ टाइम के बाद टू दिया हुआ हो तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब समझते हैं इन दोनों सेंटेंस का क्या मतलब है और दोनों में डिफरेंट तरीके से ग्रामर का रूल क्यों लग रहा है। फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इट इज़ टाइम यू वेंट टू द स्टेशन। इसका मतलब निकल रहा है इस समय तक तुमको स्टेशन चले जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, इट इज़ टाइम टू गो टू द स्टेशन, यह स्टेशन जाने का टाइम है। तो फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो पहले हो जाना चाहिए था। जैसे इस समय तक तुमको स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था, जो काम पास्ट में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए अर्जेंसी शो करने के लिए हम इसका सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर इट इज़ टाइम टू गो टू द स्टेशन हम बोलेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा, ये स्टेशन चले जाने का समय है। जैसे अगर किसी की ट्रेन 9 बजे की है और अगर वो 8:55 पे भी घर पे ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ टाइम यू वेंट टू द स्टेशन, कि इस समय तक तुमको स्टेशन चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी की ट्रेन 9 बजे की है और वो घर पे 8 बजे हैं तो 1 घंटा उसको अगर स्टेशन जाने में लगता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ टाइम टू गो टू द स्टेशन, कि ये स्टेशन जाने का समय है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस देखते हैं। द रेड शर्ट एज वेल एज द वाइट शॉर्ट्स आर पैक्ड इन द सूटकेस। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज या फिर विद या फिर अलोंग विद टुगेदर विद इन एडिशन टू, अगर सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वर्ब अगर बात करें तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पे आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द रेड शर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द रेड शर्ट, तो रेड शर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जैसे ही ब्लैंक कम टुमारो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आंसर की बात करें तो यहाँ पे आएगा नीड नोट। अब समझते हैं यहाँ पे नीड नोट क्यों आएगा। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना। तो सेंटेंस का तो क्या मतलब निकलेगा, ही नीड नोट कम टुमारो, उसे कल आने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं नीड के बाद अगर नोट लगा हुआ हो तो ये क्या होता है, इसको हम एज ए मॉडल काउंट करते हैं। और मॉडल्स जैसे कैन, कुड, शुड, इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो नीड नोट एज ए मॉडल काउंट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे नीड नोट आ गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे नीड्स नोट क्यों नहीं आया। जैसे अगर हमें यूज करना पड़े ही कैन गो देयर या फिर वी कैन गो देयर, दोनों में क्या हुआ, कैन यहाँ पे आया। कैन अगर मॉडल है तो यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम कैन में कोई भी चेंज नहीं करते।
और कैन के बाद मतलब मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर हमने नीड नोट को मॉडल मान लिया तो नीड नोट में भी कोई चेंज नहीं होगा, सीधा क्या आएगा नीड नोट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हमने क्या देखा, नीड नोट एक मॉडल हो गया, तो नीड नोट मॉडल हो गया तो सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो नीड नोट आएगा, और नीड नोट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं अगर नीड एज ए मेन वर्ब आ जाए, जैसे ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी आवश्यकता है, तो नीड के बाद अगर नोट नहीं है तो हम उसे एज ए मॉडल काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस लगता है, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा, वी नीड यू। तो एक केस तो ये हो गया जिसमें क्या होता है, नीड के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया गया होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम नीड के बाद डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, जैसे ही नीड्स यू। और एक केस में क्या होता है, नीड के बाद हमको वर्ब का यूज करना पड़े, जैसे ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे नीड नोट नहीं है तो नीड नोट तो एज ए मॉडल होता है, लेकिन यहाँ पे नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के आधार पर नीड में एस लगता है, तो ये ध्यान रखना है ही नीड्स टू गो देयर। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होगा, एस नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट आता है, जैसे वी नीड यू, वी नीड टू गो देयर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जैसे द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर स्टन ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर दिया गया हो तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग टाइम मतलब पूरा टाइम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, फॉर आएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कोई डेट, जैसे 20 जून, मंडे, होली, दिवाली, या फिर 8 बजे से, इस तरीके से अगर कोई पॉइंट है टाइम का उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें जैसे 2 ईयर्स, 4 डेज, 7 वीक्स, इस तरीके से अगर कोई पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टाइम हम इंक्लूड करेंगे तो उसमें फोर का यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सिनोनम बताना ट्रांसपेरेंट का, तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। पारदर्शी क्या चीज़ होती है, जो इतनी साफ हो कि उसके आर पार देखा जा सके, तो पारदर्शी का सिनोनम क्या होगा, क्लियर। क्लियर भी मतलब क्या होता है, साफ। अगर पारदर्शी का एंटोनम पूछा जाता तो क्या होता, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एंटोनम बताना है एफ्लुएंट का, तो एफ्लुएंट का एंटोनम क्या होता है, पुअर। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीर या फिर रिच। तो अगर एफ्लुएंट का सिनोनम पूछा जाता तो क्या होता है, रिच होता, एंटोनम क्या होता है, पुअर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इडियम का मतलब बताना है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू दिखाना, तो हिंदी में भी हम समझते हैं कि मगरमच्छ के आंसू दिखाना मतलब झूठे दुख का दिखावा करना, तो यहाँ भी क्या होगा, टू प्रिटेंड ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख, और प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। तो इस इडियम को हम मगरमच्छ और बंदर की उस कहानी से याद रख सकते हैं जिसमें मगरमच्छ झूठ मोट कर रोना धोना करके, झूठ मोट कर दिखावा करके बंदर को अपने जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ से हम क्या ध्यान रखेंगे, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब टू प्रिटेंड ग्रीफ। अब नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं, यमन सर्विस। तो यमन सर्विस का क्या मतलब होता है, एक्सीलेंट वर्क मतलब बहुत शानदार कार्य। अब याद कैसे रखेंगे, जैसे यमन मान लेते हैं कि किसी लड़के का नाम है, उसकी सर्विस इतनी शानदार है, बहुत अच्छी वो सर्विस करता है, तो हम क्या याद रखेंगे, यमन सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क। अब पैसेज देखते हैं, मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। बहुत साल पहले इंडिया में एक महान राजा जहांगीर हुआ था। ही रूल्ड ओवर ए वेरी बिग किंगडम और एम्पायर। उसने बहुत बड़े राज्य या साम्राज्य पर शासन किया था। रूल ओवर मतलब शासन करना, और किंगडम और एम्पायर मतलब क्या होता है, राज्य या फिर साम्राज्य। सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, इसलिए उसको सम्राट कहा जाता था। एम्परर मतलब क्या होता है, सम्राट। द एम्परर वॉन्टेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। एम्परर अपनी सारी जनता के साथ न्यायपूर्ण होना चाहता था। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई ए बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। उसने अपने सैनिकों को महल के सामने एक बड़ी सी घंटी बांधने को लिए कहा। देन ही सेंट द सोल्जर्स टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर। उसने अपने सैनिकों को उसके राज्य के चारों तरफ भेज दिया। दे अनाउंस दैट इफ द पीपुल हैड एनी कंप्लेंट दे कुड कम टू द पैलेस एंड रिंग द बेल। उन्होंने घोषणा की अगर लोगों को कोई भी शिकायत और समस्या है तो वो महल में आकर इस बड़े से घंटे को बजाएं। द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स। सम्राट खुद उनकी
उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ही वुड गिव देम जस्टिस, और उनको न्याय देंगे। तो ये पैसेज हो गया। अब हम देखते हैं पैसेज के क्वेश्चंस और आंसर। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की क्या इच्छा थी? तो जहांगीर की क्या इच्छा थी कि वो सबके साथ न्यायपूर्ण होना चाहता था। तो आंसर क्या होगा, टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल वुड रिंग द बेल इफ, लोग घंटी कब बजाते थे? तो कब बजाते थे, जब उनको न्याय चाहिए होता था। तो क्या होगा, दे वॉन्टेड जस्टिस, अगर उनको न्याय चाहिए होता था तो घंटी बजाते थे और राजा खुद उनकी समस्या सुनता था। 11th क्वेश्चन में क्या करना, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है वो बताना। तो कंप्लेंट का एक तरह से सिनोनिम बताना। तो कंप्लेंट क्या होता है, आपत्ति या फिर शिकायत। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, आपत्ति या फिर शिकायत। तो ये था आज का पेपर। इस पेपर में भी हमने ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और कुछ नए वर्ड सीखे। अगर आप एग्जाम से पहले इन पेपर्स को भी सोल्व करके जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।